एक बैग में तीन आदमी भाई। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। भाई जल्दी जल्दी उठा, जल्दी उठा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है भाई। रोड के बीच में आ गया, हट जा हट जा। हम फोन नहीं उठाएंगे भाई, हम फोन नहीं उठाएंगे, मां कसम। 157 मतलब कोई लगा देगा तो भाई हट जाओ, साइड में रहो, साइड में रहो। आज कल बोले तेरे भाई की बल्ले बोले। हाय सबको, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत। तो आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सापोर के साइड घूमने के लिए। तो ये देखो मेरा साथ आया तो ही दूर लेके आया KTM 390। आज KTM 390 भी चलाएंगे मस्त, मतलब और कैसा फील आते हैं KTM चलाने में। तो चलो मिलते हैं उस शॉट पे, आज थोड़ा लोगों का रिएक्शन भी चेक करेंगे। जल्दी जल्दी मेरे को 10 के कर दो और मैं लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए बैंडली 600i, मतलब पूरा फाड़ू कर, मतलब बहुत दिन से मन कर रही है एक सुपर बाइक ले लूँ। तो जल्दी जल्दी 10 के कर दो भाई लोग, तो आ जाएगा मेरा बैंडली 600 10 के में ही। तो मैं सोच रहा हूँ केरला जाऊँ और नहीं तो दिल्ली जाएंगे, तो उस साइड में मिलता है। ये हमारा आसाम में ज़्यादा नहीं है, मतलब हम लोग बाहर जाएंगे असम के बाहर, मतलब केरला नहीं तो होगा दिल्ली। तो दिल्ली में मतलब अवेलेबल है बैंडली 600। तो मैं कल रात को मतलब SMS किया था दिल्ली एक सेकेंड हैंड शोरूम में, मतलब उस लोग को बोला मैंने भाई मेरे को जल्द एक बैंडली 600 मतलब 2018 मॉडल का चाहिए। वो लोग बोला भाई दे देंगे भाई, तो जल्दी जल्दी लेंगे क्योंकि भाई तुम लोग को चाहिए ना बैंडली 600। जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो, हम बैंडली 600 ला के आप लोग को दिखाएंगे भाई भयंकर। अच्छा डर गया भाई, मतलब आज थोड़ा थोड़ा लोगों का चिल करेंगे क्योंकि लोगों का रिएक्शन देखेंगे मेरा बाइक का। अभी अभी ये स्क्रैप से इतना भाई भयंकर रिएक्शन आता है ना जब बैंडली 600 में आएंगे हम भाई। और अच्छा और मत, हेलमेट कहाँ भैया, हेलमेट हेलमेट कहाँ, हेलमेट। एक बाइक में तीन आदमी भाई। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आप मत बैठो, रिएक्शन देखो लोगों का भाई। ऐसा ऐसा दोस्त बनाओ लाइफ में भाई, ऐसा ऐसा टाइम होना भाई। मेरा एक टाइम था, मैं बहुत दिन पहले मतलब मैं थाने में पहुंचा था क्योंकि मेरा तो कॉलेज में थोड़ा लड़ाई हुआ था, इसलिए मैं थाने में पहुंचा। तो कुछ लोग भाई ऐसा ऐसा दोस्त था ना भाई, उस टाइम में मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ मम्मी पापा और कुछ दोस्त लोग, मतलब घर का फैमिली, मामा मामा मौसी मतलब ये सब। और मेरे बुरा टाइम में कोई दोस्त नहीं था, इसलिए भाई मैं दोस्त ज़्यादा नहीं मानता। ऐसा टाइम होता है ना भाई जब आपका मुसीबत में कोई दोस्त नहीं है, ऐसा दोस्त होना चाहिए। रात के 10 बजे आपका घर में दिक्कत है, आप उस टाइम में उसको कॉल करो, उसको आना चाहिए। आपका साथ कोई बुरा हो तुम्हारा साथ रहना चाहिए, तो उस टाइम में तो कोई लोग ही नहीं रहता भाई। अच्छा दोस्त कैसे बनाओ लाइफ में, मम्मी पापा रखो और कुछ लोग को रखो, मतलब जिस लोग को आपको सपोर्ट है, तुम्हारा साथ सपोर्ट देते हैं, तुम्हारा साथ अच्छा करते हैं, इसी दोस्त को रखो ठीक है। लाइफ में कुछ पाना या सीखना है तो भाई खुद का सुनो, मतलब खुद का अंदर जो बोलते हैं वो सुनो, लोगों का बात मत सुनो। मतलब लोग क्या क्या बोलते हैं, ये बोलते वो बोलते बोल के आपका मतलब वो जो बात है आपका अंदर जो चलता है वो करने नहीं देगा। तो आपका दिल के अंदर जो बात चलता है ठीक है वही बात सुनो, किसी का मत सुनो। जिंदगी में कुछ पाना या सीखना है तो भाई देख के थोड़ा देख के मतलब तो क्या बोलो, ऐसा रोड हर आसाम में होता मस्त लगता। डर गया यार, अभी मजा आएगा ना। भिड़ो छोटा बच्चा होता है उतना प्यारा लगता है, जितना गाय के बच्चे होते हैं छोटा छोटा प्यारा लगता है, डॉग का बच्चा होता है छोटा छोटा प्यारा लगता है। मतलब जितनी चीज़ का छोटा छोटा बच्चा होता है ना बहुत प्यारा लगता है। इतना गांव के अंदर तो प्यारा सा एक मंदिर बना हुआ है, देखो ये क्या मंदिर है मुझे मालूम नहीं, लगता है शिव मंदिर। इतना अच्छा मंदिर इतना गांव के अंदर, बहुत मस्त लगता है। मां भाई कोनारिंग देखो भाई, गांव में मत कोनारिंग लो, कभी भी बच्चा आ सकता है। चाय पात बगन कहाँ है, चाय इधर से जाता है।
बहुत प्यारा सा लग रहा है माँ कसम, सब ग्रीन ग्रीन हो रखे है ना, इसीलिए फाइनल पहुंच गए। मतलब चाय पात बगान देख सकते हो भाई, मस्त देखो, मस्त व्यू है इधर, इससे असम फेमस चाय पात बगान क्या बोलूं। पात देखो ना, बहुत सारा पात निकल रहा है, बहुत मस्त लगता है, लगता है सामने और नहीं है, देखते है क्या, नहीं मेरे से होली नहीं आएगा भाई, नहीं होगा मेरे से होली। देख सकते हो चाय पात, मतलब बहुत मस्त मस्त बनाया, मतलब हे क्या खा रहे, हट जा। तो थोड़ा होली देखते इस भैया का, मतलब KTM 390 में मस्त होली आता है, ठीक है। मैंने तो भाई हिमालयन भाई कैसे करूँ भाई, ऑफ रोडिंग वाला भाई कैसे कैसे आओ, थोड़ा थोड़ा आता है, ज़्यादा नहीं आते, होली मार भाई। भाई तो अभी हम चलाएंगे KTM 390 ड्यूक और मेरा चलाएगा इसका 400 cc। मजा कैसा आता है KTM 390 में दिखाते हैं, चलो मिलते हैं बाइक पे। सो अभी चलाएंगे हम KTM 390, दिखा था भाई गिर गया। ओ भाई जल्दी जल्दी उठा, जल्दी उठा भाई, बाइक को गिरा दिया। लो हम लोग जा रहे हैं भाई KTM 390 चलाएंगे। ओ भाई मस्त साउंड आते भाई इससे, देख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे घर की तरफ, मतलब छोटा मोटा इसका मोटो ब्लॉगिंग था, मतलब भाई मस्त भयंकर स्पीड KTM ड्यूक का भाई, भाई मस्त लगता है इतना छोटा बाइक, मतलब क्या बोलूँ, KTM ड्यूक बहुत छोटा, स्पीड ज़्यादा है भाई इसका, भगाने का स्पीड बहुत ज़्यादा है, कहाँ से भी घुसा सकते हैं भाई, कहाँ से भी घुसा सकते हैं भाई, मतलब इसका जो शॉर्ट पिकअप है और भगाने का जो तरीका है, मतलब भयंकर है भाई। ये देखो किसी भी शॉर्ट टाइम में मतलब किसी भी गड्डी को क्रॉसिंग कर सकते हो, कोहली भाई कोहली क्या बोलूं, बुलेट जैसा निकलता है ना भाई, हाँ पसंद में ऐसा निकल रही है, वो लोग बहुत पीछे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा भगाया ना ये, मतलब एकदम, मतलब क्या बोलूं, 10 सेकंड में 120 आते हैं, 10 सेकंड चल दे हाँ चल सा। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, रोड में आ गया भाई, इसको कोई लगा देगा तो भाई हट जाओ, साइड में रहो साइड में रहो, इसको कोई लगा देगा तो ये मर जाएगा, तो इसको कर दिया साइड। तो हम लोग अभी जा रहे हैं घर की तरफ, एक सौ बीस एक सौ तीस के ऊपर चला रहा हूँ, बहुत दिन से मन कर रहे एक शॉर्ट पिकअप वाला बाइक चला, तो ये फाइनली शॉर्ट पिकअप वाला बाइक मेरे हाथ पे आ गया भाई, मेरा जैसा ये बाइक नहीं है, मेरा तो लॉन्ग पिकअप, मतलब ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट पिकअप है, अगर इसका टू में ही मतलब 100 के ऊपर चलता है भाई, कॉर्नरिंग देख के लेना भाई, मस्त व्यू आते है यहाँ से भाई, कॉर्नरिंग मेरा पीछे का ग्रिप नहीं है भाई। ओ भाई अरे गाय रोड के बीच में आ गया, हट जा हट जा, भाई। तो आज का ब्लॉग कैसा था, मजा लगा तो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना भाई, और जो जो वीडियो देखते हो भाई सब्सक्राइब नहीं कर दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन दे चुका है भाई, तो सब्सक्राइब डाल दो, और दिखाऊंगा और अच्छा प्लेस, हम जा रहे हैं कुछ दिन बाद, मतलब दो तीन दिन बाद हम जा रहे हैं कहाँ, मतलब शिलोंग, शिलोंग या तो जाएंगे दार्जिलिंग, शिलोंग घूमेंगे ना तो दार्जिलिंग घूमेंगे, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, शिलोंग और दार्जिलिंग का व्यू देखो,
मस्त फाड़ देंगे श्रीलंका दार्जिलिंग रोड।